स्टूडियोज दोस्तों, शाहरुख खान बीते 3 सालों से फिल्मी पर्दे से दूर रहे, लेकिन वो जल्दी अपनी 3 फिल्मों के साथ इस कमी को दूर करने वाले हैं। मतलब कि अगले साल शाहरुख खान पठान, जवान और डंकी में नजर आने वाले हैं। लेकिन किंग खान के फैंस उनकी इन तीनों ही फिल्मों को लेकर काफी एक्साइटेड है। रिलीज से पहले शाहरुख खान का थिएटर में जवान अंदाज हमें देखने को मिला, जिसे देखने के बाद उनके फैंस थिएटर में सीटियां बजाने लगे और शर्ट उतार कर कूदने लगे। दरअसल फिल्म एक विलन रिटर्न्स के दौरान शाहरुख खान की फिल्म जवान का टीजर दिखाया गया, जिसे देखने के बाद किंग खान के फैंस समेत तमाम दर्शक काफी एक्साइट हो गए और सीटियां बजाने लगे। फिल्म एक विलन रिटर्न्स जो कि फ्राइडे को रिलीज हुई सिनेमा घरों में, और इस फिल्म के बीच में जवान का टीजर दिखाया गया था, जिसे देखने के बाद शाहरुख खान के फैंस थिएटर में ही चिल्लाने लगे। और इस दौरान थिएटर का वीडियो बड़ी तेजी से ट्विटर पर वायरल हो रहा है। ट्विटर के मुताबिक वीडियो को मालेगांव मोहन थिएटर में रिकॉर्ड किया गया था, जहां फिल्म देखने वाले एक विलन रिटर्न्स की स्क्रीनिंग में शामिल हो रहे थे। वीडियो की बात करें तो वीडियो में लोगों का एक ग्रुप हवा में अपने रुमाल घुमा के शाहरुख खान के टीजर का जश्न मनाते हुए दिखाई दिया, और बाकी अपने टी शर्ट उतार कर इधर उधर लहराते हुए नजर आए। मतलब कि फैंस अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए नजर आए। वेल, सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और ये वीडियो डाली है किसी शाहरुख खान के फैन ने। लोग वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। वेल, इसे इतना तो साफ है कि शाहरुख खान की कमबैक फिल्म काफी धमाकेदार होने वाली है। पठान का तो नहीं पता, लेकिन जवान के लिए लोगों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली, और हो सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करे और शाहरुख खान की पिछली फिल्मों के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़ जाए, क्योंकि काफी समय से शाहरुख खान ने कोई भी हिट फिल्म नहीं दी। हालांकि अब देखना होगा कि जवान का क्या हश्र होता है और क्या ऐसी ही एक्साइटमेंट हमें देखने को मिलेगी जब फिल्म रिलीज होगी। वेल, आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।